अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां या रशीद मेमन अज एक सिंध के आम टॉपिक से गालाइंदासी ओ टॉपिक आए सिंध में अमन अमान की सूरताल। इन वक्त सिंध में अमन अमान की सूरताल खराब थी चुकी है, जैसे निगरान वे वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पिण गणती जो इदार किया है। आई जी सिंध और डी जी रेजस के खत लिखी उन यो जानायो आए तो डी डिठे जो सिंध में मानू अगुआ कतल थन पाया और सूरताल जो खराब थी पी वे इन जब्तो आंदो वे। अड़ी तरह निगरान वे वजीर उन मामले से कावड़ भी जाहिर कई है, उन पुलिस ए रेंजर्स पारा सिक्योरिटी भी वधाई वही है। पर सवाल यो है तो कड़ा सबब आन जो जे क्राइम खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम आ वो खत्म नी रो है, कंट्रोल नी रो है। सब का वो प्रॉब्लम जो स्ट्रीट क्राइम जो है वो कराची में जाहिर थी रो है। एक रिपोर्ट आए तो तकरीबन एक साल के अंदर जो गुजर साल आ उनमें 90,000 क्राइम जे वाकया थे मुख्तलिफ़ वाकया थे जिन में 31,000 जे मोबाइल फ़ोन फुर थ 60,000 मोटरसाइकिल चोरी थियन। अड़ी तरह सिंध अंदर गुजरल साल एक साल के अंदर 1900 मानू कतल थे। अड़ी तरह मजमू तौर से समूरन जो जिले की सूरत हाल वो खराब रही है। कराची में 550 मानू कतल थे, सखर रीजन में 290, लाड़काने में 520 मानू कतल थे, हैदराबाद में 300, मीरपुखास में 70, शहीद बेनज़ीराबाद में 201 मानू कतल थे। एक साल में गैंग रेप जा जे पिण 65 वाक़िया थे। पांजे प्रोग्राम में यो डिस्कस कंदासी त अमन अमान की सूरताल कीं बेहतर थी सके थी, अमन अमान की सूरताल के कड़ा चैलेंजेस आन, पुलिस वट कड़ी शयन की खोट है जैसे कर सूरताल से पैसा खर्च थियण के बावजूद कंट्रोल नी रो है। इन वक्त जो रिपोर्ट आए तो सिंध में अमन अमान से गुजरल 5 साल के दौरान 527 अरब रुपया खर्च किया वह। मजबी तौर से पुलिस से सालियानो 100 अरब रुपया, रेंजर्स से 5 खां 6 अरब रुपया खर्च किया वन था। उन बावजूद जो सूरत हाल वह बेहतर नी रही है। पुलिस ए हुकूमत पारा बार बार इजलास किया वह, खास तौर से स्ट्रीट क्राइम ते कंट्रोल करने के हवा से, पर अजा तई यो जो मसालो आधो पे वे घटे न पो। इन सभी सूरत हाल से ालने के लिए असा प्रोग्राम में मौजूद है खादिम रिंद साहब, एडिशनल आई जी कराची आन, उन सा गड SSP सखर हूँ, जुबेर नदीर शेख साहब, डॉक्टर उदैर मेमन साहब हूँ, रियाज सुहेल असा गड स्टूडियो में आन, सीनियर साफ़ी और तर्जिया निगार। मां पाँ प्रोग्राम की शुरुआत कदम खादिम रिंद साहब का। साई तुझो इंट्रो बुध ते शूँ बुध तो आखिर सिंध के अमन अमान के कड़ा चैलेंजेस आज जो उन कंट्रोल नो सके जी बदअमनी है। थैंक यू वेरी मच अदा पैंजो जैसे ही तुम गाल कई क्राइम की सूरत हाल की 2022 जो 2023 जो जैसे क्राइम दिसे तो मोर ऑर लेस सागो ही क्राइम रो तादाद के हिसाब से, पर गुज़िश्ता 4 महीनों की सूरत हाल दिस सेप्टेंबर टू दिसंबर जैसे का केयरटेकर सेटअप आयो है, नई टीम आई है, तो उनमें जो कोशिश कई वही है इन स्ट्रीट क्राइम के बिल्कुल कराची जो जो वे में वो चैलेंज है वो स्ट्रीट क्राइम ही रो है। तो उनके जो सो एड्रेस किया उनके अटेंड किया शिठो वो है छह इशूज हैं। नफरी की शॉर्टेज बिल्कुल एक तमाम वो सबब रो है थानन से, उनके लिए सो ताज़ो जो सो नई नफरी जो 2800 हिंसा कोई थी कराची पुलिस में सभी के थानन से डिप्लॉय किया वो है। उनका अलावा जैसे गैर जरूरी जो ड्यूटी हुई ऑफिस में उन काफ़ी मानून के भी उतर कभी थानन से डिप्लॉय किया वो है। उनको वो इम्पैक्ट आयो है स्ट्रीट क्राइम में जो है सो जैसे मां 4 महीने की गाल कर तो उनमें जो रिडक्शन है 182 मोटरसाइकिल जैसे डेली वही पे तो हाँ 118 की फिगर एवरेज अची वही है, पर हाँ वह भी थोड़ा माना बेहतर थे पे सूरत हाल। उनके अलावा मोबाइल फोन्स में एक अड़ा गैंग भी इन्वॉल्व हुआ जे इतना का मोबाइल स्नैच कनता IMEI नंबर चेंज कनता, उन गैंग्स के भी गिरफ्तार किया वो है। उनका अलावा कुछ अड़ा भी गैंग हैं जे इतना मोबाइल फोन के ईरान अफगानिस्तान दुबई का जो है सो स्मगल कंदा हुआ, उनते भी क्रैकडाउन किया, उनसा भी जो फर्क पो है। यह गाल तारी सही है, क्राइम बिल्कुल है दिसो तमाम वो शहर है आबादी के हिसाब से, यो तो पॉसिबल ना है क्राइम के जो सो जीरो कर सके, पर पुलिस पे गिविन रिसोर्सिस में यो जरूर करे पी तो भी पॉसिबल एफर्ट्स वटू पा उनसा उनमें इम्पैक्ट उनको आयो है। आंकड़ो सिर्फ मिसाल कोट कंदस तो सेप्टेंबर का वी जो है सो अज ती अज हाँ माना जनवरी जो अद का महीनों गुजरी चुको है, एकड़ो भी अड़ो इंसिडेंट ना थो जैमें हाउस रॉबरी या हाउस डकैती विथ गैंग रैप थी हुए या हाउस रॉबरी या हाउस डकैती विथ मर्डर, ये केसिस न थे डेफिनेटली इनमें पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी है। उनका अलावा एक ऑपरेशन किया है
गैरकानूनी अफगानी इतने रहा हुआ उन्होंने वो जो क्रैकडाउन किया भी इम्पैक्ट आयो है क्राइम के घट थे ए यो भी तुम तो अलहमदुल्ला सेप्टेंबर का वही अज ताई पूरे साल में जो टेवी पुलिस की शहादत पर जैसे का नई टीम इन प्लेस थी है बाकी अल्लाह के तरफा होगी मदद एक भी पुलिस की शहादत न थी है तो पुलिस पे जो कोशिशों करें पी उनमें जो है सो डेफिनेटली यो अड़ो इशू है जैसे ये तो नो ची सके तो इमीडिएटली 100% कंट्रोल कर सकते तो पर पुलिस यह कोशिश करे पे इन घटाया भी है एक वधिक घटाया वे अच्छा सर इन में बदामनी में खास तौर से स्ट्रीट क्राइम आ जे संगीन डो थन था ता समझो तां रिपोर्ट केड़ी केड़ा गिरोह मुलवसन इंटरनेशनल नेशनल बेन सूबन से ताल्लुक रखन था या लोकल गिरोह नी सब दादा ये इन के चेन कैटेगरीज में डिवाइड कंदस एक तो उन इन में तमाम जे क्राइम से गुड जो ऑफेंस उनमें जो वायलेंस थे तो उनमें मोस्टली अफगानी जैसे इन्वॉल्व हूँ हुआ वह शा ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है उन अलावा बया उसे रिपीट ऑफेंडर्स हैं जे एक दफा पुलिस गिरफ्तार करे थी जेल मोकिल वरी उ आसानी से बहर अची था वन इनकरेज थन यो एक तमाम सीरियस प्रॉब्लम है अड़ा भी केसिस हैं जिनमें एक का दफा काफी मानून के पुलिस गिरफ्तार किया है जेल मोकिल पर हफ्तों 10 दिन 15 दिन वो वरी मोटी था अचन बेल से बहर था निकली अचन तो जैसे वो आराम से बहर था अचन तो उनके लिए सहलो तो थे माना इनकरेज था अचन क्राइम कजे टों नंबर से इनमें उनके मंशियात जहा आदि मानू हैं जिनके पेंे नशे पत्ते की जरूरत पे थी तो कें भी क्राइम का जो सो तथा घबराएन यो भी सीरियस इशू रो है कराची जो चौथे नंबर से जो तक गाल नेशनल या इंटरनेशनल वाली गाल में ये जरूर चवस तो अस काफी अड़ा मानू जैसे गिरफ्तार किया जो ताल्लुक या तो अंदरूनी सिंध से है ये चे सो तो या इवन जो पंजाब या केपी या बलोचिस्तान के इलाके जहाँ रहंदड़ मानून उ भी कराची में अचन था उतना क्राइम कर अचन था इतने नवा कार्ड ठाराइन था इतने वरी बन नालन था उ भी क्राइम कन अड़ा भी असा गैंग बस्ट किया तो ये चार ही जैसे एलिमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कन कराची के क्राइम के अच्छा सर अमूमी तौर से यो दिठो वे तो जैसे सी एम या को हाई पावर मीटिंग में डिसीजन थे तो या हिदायत कई थी वे जी ताजो निगरान सीएम खत लिखो है आई जी के डी जी रेंजर्स के तब क्राइम वी डी डिठे जो डोह थन कतल फुरूंद थन तो इन कंट्रोल कर वे इन खत का दिठो तो कराची में सिक्योरिटी तमाम वी हुई पुलिस की रेंजर्स की त पा मुरादो पुलिस कम छो नी करें मामले से न सीएम साहब जिन बिल्कुल उनको राइट है उन्होंने उन्होंने करुर्जे अड़े किस्म की तंबी करुर्जे तो मां यो अर्ज किया तो जैसे का केयरटेकर सेटअप आयो है पुलिस उनमें काफी जो सो एफर्ट्स कई हुआ सीएम साहब जिनके उनका बिल्कुल जो सो जो जिम्मेदारी से शायद कम कदा हो करुर्जे पर उनका पैरी का भी यही असा जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग करूं पाया तुम ये ऐसो तो सेप्टेंबर का पैं जो इनकाउंटर्स तादाद हुए तकरीबन एवरेजली इनकाउंटर्स डेली थी अज वो तादाद सेप्टेंबर का यकी जो अचे पी फिगर 5 इनकाउंटर्स डेली पाया थन तो तकरीबन 125% उनमें इंक्रीज है जे क्रिमिनल जो गिरफ्तारियों जो तादाद है उनमें एतरे ही परसेंटेज है या थोड़ी घट इंक्रीज है तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग जैसा थे पी पर बिल्कुल सीएम साहब जिनको हुकुम आया जो स्टेशन्स उनते संजीदगी से रेस्पॉन्ड करण घुर्ज पुलिस करे पी अच्छा रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट कड़े तरीके का अर्थ थे तो पुलिस जिते उनकी मदद खपंदी या पुलिस उनके तलब कंदी या वो पांजे हिसाब से डिप्लॉयमेंट कराची में आया ऑपरेशन कर असा के यो इख्तियार ना है असा रेंजर्स के तलब करियो ये ऑर्डर करे पर असा जी यो मां जरूर ताके बता देता सही तमाम सुखी कोऑर्डिनेशन है रेंजर्स की कमांड सा असा जी मीटिंग थींदी वन असा जो डीजी रेंजर्स सा एनएसएस में मीटिंग थी वन डीआईजीज उनमें हुंदा है सेक्टर कमांडर्स जे के रेंजर्स जा ओए हुंदा है ए उनमें यो तय कंदा आयो तो केड़ा इलाका है जिनमें ताके पेट्रोलिंग करण गुर्जे केड़न में असा के करण गुर्जे केड़न में जॉइंट पेट्रोलिंग है जॉइंट ऑपरेशंस करण गुर्जन ये सब शय जगह से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन सा थन थियो ए उनमें रेंजर्स जो असा के पूरो हेल्प ही साथ मिले तो अच्छा सर जी आती दुवारन नु ता जिक्र कयो फैसलो थयो तो उनन के मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाइंदा थी त जी उनन जी निगरानी थिए वो बार-बार डोन में इस्तेमाल थंदा उन ते केतरो अमल थयो है दादा उनमें हेस ताई सिर्फ कानून ठो है अजा ती उनते अमल न थो है गवर्नमेंट जो सो बिल्कुल उनते सोचे पी असारी मीटिंग भी थी आई जी साहब इनते कम भी कयो है पर मां यो बुझा छा ते में तमाम घना पैसा इन्वॉल्व छन था उते जेके उनके ब्रेसलेट पाराया विंदा अजा ताई वो माना प्रैक्टिकली थी उनके न कर सके है एडी न अफगानी जेके हुआ उनके खिलाफ विच में वडी वट पकड़ पुलिस कई तमाम घणो बसू इता भरे मोकले वे हाने वो अमल बंद थल नजर तो अचे सर इन जो को खास सबब ना उन जो सबब मा ता के अर्ज करया त असल में
नवंबर का यो प्रोसेस शुरू थियण हो उनके लिए असो 15 अक्टूबर का चे वो तो इनते एक्शन न थे वो 15 दिन उन्होंने स्पेस मिलो उन मानू वन शुरू कर कराची में कोई लगभग 43,000 के लगभग अफगानी जो इतना वह अफगानिस्तान 1400 के लगभग उ जिनके असा बसों में भरे रवानों है कुछ पाण मुरादों इतना निकता हुआ तुरखम बॉर्डर का तकरीबन 4 खां 5 हज़ार मानू वह केपी में चमन बॉर्डर का बाकी जो तकरीबन 38-37 हज़ार मानू इतना वह जिनको पूरा ट्रैक है असा वो यो अमल खत्म ना थो उनमें सेकेंड फेज जो हो उनमें वे उ मू जिन को न को डॉक्यूमेंट है या को न को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है उन्होंने एक्शन करो हो पर वो जो हुकूमत फिलहाल पेंड कर है वो पेंडिंग है पर मैं यो जरूर तक बुधा तो ये एक्सरसाइज थी नवंबर डिसंबर के महीने में वो अज भी हले पी अस कंटिन्यूसली चेक पे क्यों अफगान बस्ती है या सोराब गोठ है अलातिफ स्क्वायर है ये वो इलाका जे ये समझो वो तो शायद नो गो एरियाज होजन या उत तमाम घनी तादाद में अफगानी रहन पा हिंर भी रहन था अस हाँ एक घर जो सर्वे किया खबर है केतरा मू रहन था उनकी फैमिली मेंबर्स केतरा उनका फिंगरप्रिंट्स उन तस्वीरों उनका मोबाइल नंबर है जी ही हुकूमत वही इनके प्रोसेस के ऑन कर चाहती या ऑपरेशन शुरू कराने चाहती तो हाँ कराची पुलिस सफिशियंट डेटा है तकरीबन 60,000 मानू की अस डेटा है जे इतने मौजूद हैं जिनका अस मुकमल तफसील है तो हुकूमत जो पॉलिसीज होंद जी अस गो अहेड मिले तो वही ऑपरेशन शुरू कर आखिरी सवाल तक यो क क्राइम थियन था वही किराया तो FIR दाखिल न थी थियन जैस तक SSP ना चवन FIR ना थियन यो सबब आज FIR आम मानू की दाखिल नी थे उनका मना किया दादा यहाँ गाल तारी जैसा बिल्कुल उन सहमत आया इनमें यह अनफॉर्चुनेटली ये शूं रही अना भी होंद भी डिस्करेज तो वे अस पॉलिसी यहाँ है तो FIR के इनकरेज किया जी क्राइम थे तो FIR थे असा तरफा क्लियर इंस्ट्रक्शंस SHOs के कोई भी मानू हो तो वर्किंग ऑफ क्राइम न करो FIR करो उन सिलसिले में मैं ऑफिस में एक सेल कायम किया है उनको कम ही यो है तो जैसे असें रिपोर्ट मिले थी कोई भी मानू राबो कर तो मुझे FIR नी तो असें ऑफिस में इंश्योर था करूँ तो वह FIR छण घुर्ज रिन साहब एक सवाल मैसेज भी जहाँ तो जी का SSP सा राबो कर मूसा राबो कर DIG सा राबो कर इनशाला विल मेक श्योर कर FIR रजिस्टर से रिन साहब रियाज सुहेल साहब भी असा गडा भी नामियारे वे इदारे जहाँ रिपोर्टर सीनियर साहबिन तुम भी सवाल करना था चाहन जी जी रिन साहब कराची की जी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है खास तौर से इलेक्शन की काफ़ी वायलेंस ताज़ो जो केयरटेकर CM जो भी बयान आयो है पॉलिटिकली जो इंतिशार फैलाना चाहन कुछ मानू उन नजर रखो वे तो इंदड़ इलेक्शन में जाहिर अणा दी खन बचा तो पुलिस की पेंी कड़ी इनमें हिकमत अमली होंगी तैयारी होंगी छो तो माजी में भी पॉलिटिकल ओरिएंटेड जो है क्राइम थो रो है इतने दादा बिल्कुल सही था चौथा जैसे इलेक्शन थे तो उनमें जेड़ा भी थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी थी अस पुरानी इलेक्शन में जे भी अड़ी सिचुएशन थी जिनमें अड़ा जेड़ा थे जिनमें जे मू इन्वॉल्व रहा उन सी असो डेटा अस मौजूद है अस उन हर शे के कंसिडर किया है उन शे के बद नजर रखी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कई व्यून कराची की जहाँ पुलिस है असि पूरी तैयारी है असा इंशाला इलेक्शन के पूरी कोशिश कदी तो पुरअमन तरीके से वे अड़ा मू जे शरारती जिन की नीयत यह है तो को दफेर कजे को लॉ एंड ऑर्डर पैदा कजे उन सख्ती से पेश अचो उनके गिरफ्तार कर जेल में मोकल वो अच्छा सर नई पॉलिसी तीन कड़ी है जी क्राइम जो वे तो ताजा कुछ डी में रिसेंटली डी में कड़ी पॉलिसी अपनाई है प्लानिंग यह है तो हाँ जी नई फोर्स अचे पी अनफॉर्चुनेटली असो माना थाने का ड्यूटियों बी रही लॉ एंड ऑर्डर जो ड्यूटीज उनमें प्रोटोकॉल की ड्यूटियों सिक्योरिटी की ड्यूटियों कोर्ट की ड्यूटियों तमाम घणी रही पॉलिसी एक तो यह है तो जहां भी नई फोर्स हाँ अचे पी सभी के थाने तो मोकल वी तो न सिर्फ 2800 जो पैं जिक्र किया मोकलिया हाँ बी भी असान फोर्स जैसा पहुंचा वाली है तकरीबन 5,500 की फोर्स असें मिलनी है इन महीने की मथे महीने की बिट ती ये सब जहाँ सब थाने लगया वा नंबर वन नंबर टू असा मोटरसाइकिल जे 200 के लगभग तैयार कराई अड़ू तकरीबन 200-300 मोटरसाइकिल असेंगे IG ऑफिस में जी नई परचेज होंगी उन्हें मिली इन सभी मोटरसाइकिल से शाहीन फोर्स जिनमें बिन मोटरसाइकिल के बडी पेयर जो है पेट्रोलिंग्स कह स्ट्रीट क्राइम के फाइट करने के लिए अड़ा रस्ता जिनसे फोर व्हीलर्स गाड़ियों आराम से नी वन उन भी इनकी मोबिलिटी होंगी तो ये जैसे 5,000 मानू तकरीबन 500 मोटरसाइकिल से गुड रोडन से इंदा तो आउं समझा तो उनको वो इम्पैक्ट इंदो तो जो इमीडिएट असो है
पॉलिसी वह यही है शॉर्ट टर्म जैसे तुम चो तो सारी फोर्स नई फोर्स है उनके रोड से आणजे और हॉट स्पॉट्स जिन स्ट्रीट क्राइम जहाँ घना वाकया थन था उतने उनकी पेट्रोलिंग कराजन कचू आबादी वन जिसे आमतौर से रस्ता एडा सवला न हों जो फोर व्हीलर्स गाड़ी मूव करनी अच्छा उनमें भी मोटरसाइकिल के थ्रू जो सो पेट्रोलिंग से गश्त कराया वा उनको सो क्राइम के कंट्रोल खोट केतरी है सर नफरी की कराची डिवीजन में अगर नफरी की शॉर्टेज की तरह कह तो पूरा को भेजी सी अंग्रेज जो देखो पुलिस रूल्स है उनमें 450 मानून से एक पुलिस वो होजन घुर्ज सही हिंस जहां असा ऑपरेशनल पुलिस है जहां इन वक्त मौजूद है वह तकरीबन 4500 मानून से एक मानू है जैसे बिन शिफ्ट की गाल कर डिवाइड कर 450 की जगह 4500 से एक मानू मौजूद है तो मतलब तमाम घनी खोट है शॉर्टेज अव सॉरी मतलब तमाम घनी खोट है नफरी की कराची पुलिस में अनफॉर्चुनेटली नफरी की शॉर्टेज पैं जैसे है पर हाँ जे ट्रेनिंग्स कर अचन पा जवान असा पुलिस वा उन सभी के थाना से डिप्लॉय पा कर कोशिश कर सिक्योरिटी ड्यूटीज भी गैर जरूरी ड्यूटीज और मानून के कटी जो थाना से लगे रोड से लगे ताकि वो स्ट्रीट क्राइम के सो मुंह दई मेहरबानी साई तुम कीमत वक्त असो वही मेहरबानी थैंक यू वेरी मच रियासल साहब तुम बुधो एडिशनल आई जी साहब के समझो तो इम्प्रूवमेंट थी लाइन ऑर्डर की सिचुएशन में या नी एक तो 2013 के ऑपरेशन का वी जैसे पानी मुसलसल 11 साल थी वह दिसंदा था अचूँ तो मेन ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रीट क्राइम है वो अजा तीन 10-11 साल में कंट्रोल ना थी सको ठीक है इनको मतलब यो है तो का मुस्तकिल हिकमत अमली ना है पंजाब में जो डॉल्फिन फोर्स हुई उनके कॉपी करे पा वटी इतने कराची में रखो रिन साहब गाल पो कह रे तो जब थाना से हलो वो तो 150 मोटरसाइकिल अजा तीन उतने मौजूद हैं जे 4-5 साल अग में इे स्ट्रीट क्राइम पेट्रोलिंग हुई तो यह शाइन फोर्स भी जो रैपिड फोर्स ईगल फोर्स इनका अलावा एक VIP पुलिस है SSU तो ये जो पुलिस की पैं सेग्रीगेशन आ पुलिस जका है वह पा एत हिस्सों में विरायल है तो जो ऑन स्ट्रीट जका है रस्ते से जो पुलिस मौजूद होजे जी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे इन बिन्हीं की वाकई बड़ी खोट है हाँ एक जो प्रोटोकॉल ड्यूटी है साई जो ये गाल पे कई तो 4500 मानू से जो पुलिस वा मुझे ख्याल है यो अंग अना हों छो तो इन ये पुलिस वा भी किथे न किथे सिक्योरिटी में होंदा सिक्योरिटी में होंदा SSU में होंदा RFM में होंदा मुख्तलिफ थानन ते उन जी जका है तैनाती तमाम घट होंदी यो ही कारण है तो पुलिस अवॉइड थी करे तो FIR न थे FIR थींदी त यानी एकड़ो IO देणो पंदो आईओ जैमें 150 केस हूँ वह दिसो तो मुझे मत एक बी छिपकरी तो इन कर पुलिस भी जो डिस्करेज थी थे तो यो केस हम खड़ाई ना सही अच्छा हि जो साई बुदा तो अफगानी भी इन जो सबब उन मंशात में जो आदि उ इन बदमन जो सबब उन रिपीटेड जो क्रिमिनल्स उ इन सबब उन समझो मुख्य सबब शायद बदमनी जो इनमें जो साई मंशात वाली गाल कही ना यह ढी अहम है छो तो गुटके का सिवा पुलिस जी किथे भी जन मंशात खिलाफ़ का वही कार्रवाई नजर नथी अचे इवन रेड़ी गोड का वही करे कराची जा वड़ा वड़ा स्पॉट जो वीडियो में इंदा था रन बिल्कुल ये जो मंशात विकाम जे खास तौर से आइस जो जी मिठाई विरायजी हुए तो कराची हुए नौशर फेरोज हुए खैरपुर हुए लाड़कान हुए हाँ आइस जहाँ है वह तेजी से या जो फैलजे पी पर पुलिस जो क्रैकडाउन ना नतीजे में वाकई यो जो क्राइम आ वो तमाम वधंदो तो वने जाहिर है ट्रेडिशनल जेका क्रिमिनोलॉजी थ्योरी में मानू चंदा हुंदा तो गुर्बत वधी वई आ मानू वट रोजगार ना है उने करे जेको आ क्राइम वधे पियो पर ही जेको मंशात वारो जेको इम्पैक्ट जेको असर आ वो भी दाडो अहम आ बियो साईं जेको बुधायो तो जेको कोई 40-50 हज़ार जे करीब जेको आ ना अगवानी इतां का रवाना कया विया आहिनि जॾहिं तादाद लखन में हुजे अंग ना इन मतलब है जो पुलिस की असेसमेंट है अगवानी इनमें मुलवसन यानी उनकी वो तादाद जो है उनको रीजन जो है वो अजा तौजूद है सही
अच्छा जी मूं बजट जा तफसील भी पेश किया तमाम घनी बजट इस्तेमाल थी तेज तकरीबन 100 अरब रुपया पुलिस से हर साल इस्तेमाल थन था रेंजर्स से 5-6 अरब रुपया इस्तेमाल थन था उनका पोए एफसी से अलग था थन था कोस्ट गार्ड से अलग थन था बेन इदारन जेलन से अलग थन था ओवरऑल जेकडे अमन अमान जी जेला बजट दिस 150 अरब रुपया खर्च थन था त एडी वडी बजट होजन के बावजूद इन किराए है तो अस वसील की खोट है जदीद टेक्नोलॉजी की खोट है जदीद हथियार की खोट है यो मसलो इनमें एक मुझे ख्याल है जो एलियत काबिलियत वो जो सवाल है वो ढो अहम आ छो तो जैसे वसीला मौजूद हैं प्रॉपर इस्तेमाल ना थे इनका अग में तसो तो सुप्रीम कोर्ट में जड़ी बदमनी केस हो तो उन निशानदेही कई तो जो कराची में दाखिल थे वही कराची अंदर दाखिल थे हिंसर भी सुपर हाईवे से कोस्ट गार्ड जो चेकपोस्ट नजर अचन थी इनको मतलब है उन जिम्मेदारी है ना अड़ी रीत शहर में भी हर इदारे की जिम्मेदारी है शहर का जो मू दाखिल थे तो ये जो गाल थे तो इतना का गाड़ी बाहर हली थी वन कें थी वन उत पोस्टू कायम अड़ी रीत जैसे कराची ऑपरेशन थो तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हर कें जिम्मेदारी हुई तो फलाने इलाके में फलाने की जिम्मेदारी हुई फलाने इलाके की फलानी जिम्मेदारी हुई या ही ऑपरेशन इन जगह से गरल थी तो वो जो है ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो वो कें चब कुछ मुद्दत ला हुआ कुछ कलील मुद्दत ला हुआ वह तवील मुद्दत ला का जो कें हिकमत अमली की शक्ल अख्तियार न कर सकिया यो ही जरियो वसीला जन उ अलग अलग विराजन पाया उनको कोई नतीजो न पो निकर अच्छा तिठो हों कराची ऑपरेशन भी शुरू थो सिंध एपेक्स कमेटी भी ठही उनमें समूर इदार नुमाइंदा हुआ सी एम ओ बया हुआ तो उन बावजूद भी कुछ वक्त के लिए क्राइम रुक तो वे वरी बीहर शुरू तो थी वे वो ये दिसो ना जेका रिन साहब चे तो अस रोजाना जेके ना बबटेटे इनकाउंटर थेन था पंज पंज ते चे तो पहुंचा आज 6-8 मानु जेके ना जख्मी थिया हैं सही ठीक है इनकाउंटर्स में इनका में मेमन साहब जे दौर में भी जरी क्राइम स्ट्रीट क्राइम वधी को तो एकदम ता डिठो तो यो जेको हाफ फ्राई वारो जेको मामलो आ यो शुरू थी तो वने तो क्राइम रुकजे न थो पर एकरो टेररइज कर गोलियो हणी कर मानू के जख्मी कयो तो वने कुछ उनजो जेको है ना कुछ अरसे ला जेको है एकरो खत्म थे तो उनका पो वरी वो सागियो क्राइम स्टार्ट थी तो वने तो उनजो जेको मुस्तकिल हल है वो नजर न थो अचे चलो इन वापस अचान तो इन डिस्कस कंदी तो क्राइम के कि रोकजे नाजरीन इतने वूँ था नंबर ब्रेक वरी पेश थूँ था वेलकम बैक नाजरीन रियाज साहब जी पा अमन अमान की सूरत हाल के तफसीली तौर से डिस्कस क्यों था खादिम रिन साहब भी पाँ मौको पेश हाँ असा टेलीफोन से मौजूद आज डॉक्टर उदैर मेमन साहब पा एस पी क्लिप्टन साई सलामकुम साई मेहरबानी तुम कीमती वक्त अस प्रोग्राम में दिनों असि डिस्कशन इहा ही है अमन अमान की सूरत हाल से सालियानो 150 अरब रुपया खर्च थन था वा इनिशिएटिव वा था वन पर खास तौर से स्ट्रीट क्राइम और संगीन नोए तया जी डोहन उ अजा तीन ना रुकजन ती नजर में कि इन सूरत हाल के बेहतर कर सके तो क्राइम जो है क्राइम हर सोसाइटीज में थी रो भली डेवलप्ड सोसाइटीज होजन या डेवलप्ड कंट्रीज होजन उते भी क्राइम स्टॉप न थींदो असल गाल ये है जैसे क्राइम थे तो अस उनके ट्रेस केतरो था करे अस वही इंपॉर्टेंट शे जेके मेन क्राइम्स हैं अगर मैं कराची के हवाले से गाल किया तो जेके भी इंपॉर्टेंट क्राइम्स हैं उनन मां मोर देन 50% जेके हुंदा उहे माशाल्लाह ट्रेस भी थी वेंदा ऐं जेके भी मुल्ज़िमान उहे कैफ़े किरदार ते पहुंची भी वेंदा हाणे इन शे के नोट किया वे तो कुछ शन जैसे कर अस इन सूरत हाल के बेहतर भी कर असि फॉरेंसिक साइंस लैब है उनके अस एम्पावर क्यों उनमें अस टेक्नोलॉजी बेहतर यूज कर सेकेंडली जे अस जितरा भी क्राइम्स थन था उनमें अस पूरे अगर कराची के सेफ सिटी कर छू तो उन जो भी जिथे भी क्राइम थी असके उन मानून के ट्रेस कर में ढी आसानी थी उन वरी अस लिंक कर छूँ फैशियल रिकग्निशन वे सॉफ्टवेयर से नादरा के डेटाबेस से किथे भी जैसे कराची में क्राइम थी तो ये कराची एक सेफ सिटी हों तो इनके वो जी मेल क्राइम थी तो अस उनकी ट्रेस कहते वो ऑटोमेटिकली फैशियल रिकग्निशन के थ्रू असा वो मानू बुधा तो उनसा असा ट्रेस आसानी थी वी टी शे इ जैसे अस पुलिस पा कम क्यों तो वह है
असा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अस उन ट्रेनिंग कराई था तो जो जी मेल अस ट्रेस कर छींदा तो उनको इंपॉर्टेंट मरल यो हों तो उनसिस के अस प्रेजेंट करता जनरल कोर्ट में जो एविडेंस क्या कलेक्ट कबो है एविडेंस प्रिजर्व क्या कबो है वो उनके एग्जामिनेशन ला क्या मोकिलबो वरी उनके अस केस फाइल्स में इनकॉर्पोरेट क्या करना है यह एक डिटेल एक्सरसाइज है उनमें अस जितना भी असा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उन तमाम के अस स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स बुधा दी तो जी अस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उन मयार से लहन जैसे जितना भी केसिस अस इन्वेस्टिगेट क्यों था उन केसिस में मानन के या मुल्जिमान के सजाऊं। अच्छा ओवरऑल छा था समझो तो कराची में स्ट्रीट क्राइम ते घणी कोशिशूं कई थी वन कंट्रोल थे पर वो कंट्रोल न तो थे कड़ा अंसर कड़ा गिरोह मुलोसन समझो जैसे कर क्राइम जो घने पैमाने कंट्रोल न तो थे उनमें जाम सारा गिरोह है जेके इन क्राइम से इन्वॉल्व थी सकन था तुशो तो कराची जो है कराची एक मल्टी एथनिक अड़ो सिटी है जैमें पूरे पाकिस्तान इनके मिनी पाकिस्तान थी सो तमाम जेके पाकिस्तान जा प्रोविंसेस उन्हें जा मानू इतने गद थी रहन था हाँ इन में इंपॉर्टेंट ये हुआ तो जी हाँ कुछ टाइम पहले इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक मुहिम पूरी हली हुई उनमें अलग केतरा अड़ा मानू हुआ कराची के अंदर जैसी का डॉक्यूमेंटेशन ही न हुई जैसे बारे में कुछ खबर ही न हो तो ये मानू आए के यो ये मानू भी थी सकन था सेकेंडली तुशो इतने जान सारू जेके सब अर्बन आबादी हुआ कचू आबादी हुआ उनमें भी अलग केतरा अड़ा मानू है जेके अनडॉक्यूमेंटेड रहन था जी मैं तक नो सो एक्सपीरियंस बुधा एस पी भावलपुर उतो मर्डर थो उन मर्डर जो मुलजिम जो वो इतने कराची में अची वही रो कची आबादी अनडॉक्यूमेंटेशन की वजह से इतने डिफरेंट जे प्रोविंसिस में क्राइम कर था वो भी मानू अची था पर उन्हें लाइको जो वे फॉरवर्ड आ वो यो है तो जितन भी कच्ची आबादी हैं उनके असू उन दफो अस डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है तो इतने कड़ो मानू रहे तो चाहे को क्रिमिनल रिकॉर्ड तो को जी मेमन साहब अच्छा इनते रियासवेल साहब का थोड़ो मौको वठो था वो साईं का तांग सवाल कदो ता टेलीफोन लाइन ते मौजूद रहो जी मेमन साहब मां यो पुछण चाहिं तो ता चो था अनडॉक्यूमेंटेड मगर जेके एनकाउंटर में जख्मी थेन पिया या मारजन पिया उन सबनी जो तो रिकॉर्ड तो होजे यानी जेके क्राइम में ऑन स्पॉट जेके जख्मी थेन पिया उन मां अज री ताई को बेड़ो मानु ना आया जेको अनडॉक्यूमेंटेड होजे बियो जेका या अप्रोच तो हुंदी ना तो यो जेको मोबाइल स्नैचिंग थे थी या बाइक जी स्नैचिंग या चोरी थे थी या थेफ्ट जो सजो थे तो इनकी का मार्केट भी तो होंगी अज तक के उन मार्केट से तो छापो न लगो आ जी इन इन सवाल में यो बुदा यो ता के दीदो तो जितना भी फॉर एग्जांपल ता एक क्राइम खयो आ मोबाइल स्नैचिंग जो तो उनमें हाने कुछ मोबाइल एड़ा असा तमाम मोबाइल स्नैचिंग पे हनदा यही मोबाइल को स्नैच थे तो उनमें जैसे भी को का भी सिम इस्तेमाल थे तो वो मोबाइल ट्रेस की वे तो अस अलग केतरा गेम इन टेक्निक के थ्रू पकड़िया भी हैं सेकेंडली ही कन स्नैचर्स तो उन मोबाइल की जी आई एम ई आई होंगी है जी आइडेंटिटी होंगी है मोबाइल की चेंज था कर चेंज कर मोबाइल की आइडेंटिटी नी खबर पड़ी सके उनमें अस अलग केतरा कराची में ग्रोह पकड़िया जेके वह आई एम ई आई सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज करना टों तो एक्सपेक्ट है इन स्नैचिंग जो वो यो है तो काफ़ी सारा मानू जो मैं इतने अनडॉक्यूमेंटेड मानू रहन था इलीगल मानू रहन था उठा कन जेदी मल भी मोबाइल स्नैच थन था ये मोबाइल सेल कन था उन मानून के आउट ऑफ कंट्री खी था वन काफ़ी सारा अस मोबाइल जे बन कंट्रीज में ओपन था इन मतलब यो है तो स्पेसिफिक अड़ी मार्केट ना है इतने जैसे पुलिस एक्ट करे बाकी ये जो मोबाइल्स ये सेल आउट थी था वन आउट ऑफ कंट्री वो इलीगल जो मूल उ खड़ी था अच्छा सर मोटरसाइकिल भी फुर्ती थन रिपोर्ट आए तो सठ हजार जो मोटरसाइकिल वो कराची में चोरी थी गाड़ी चोरी थन उदे थी वन सर जो मोटरसाइकिल चोरी थे थी उनमें एको तो होंगे जनरली जे असा वट ही सेल आउट थी वन
वेरियस एरियाज में थे थी जैसे भी असा रेड क्यों था पर मोस्टली तुम तो जो मोटरसाइकिल्स मोटरसाइकिल ये डिसमेंटल कर पार्ट्स में सेल करना ती अगर एक कार वहीकल आड़ी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जहाँ पार्ट्स ना पार्ट्स सेल थींदा मोटरसाइकिल की आइडेंटिटी सिर्फ चेसिस नंबर हों हाउएवर जी गाड़ी है गाड़ी जैम ट्रेवल कर मोस्टली जो वहीकल्स थेफ थन थी उन्होंने अस कम भी क्यों था बरामद भी थन हाँ तसो फॉर एग्जाम्पल एक वहीकल हुई जो बोर्ड पैसन के इलाके में 16 जनवरी से वह थेफ थी अस उन कम करते अज उ वहीकल नौशहरो फिरोज में एक जगह तक मिली वही मानू भी मिली वही तो इन में ऐसो ना वहीकल डिसमेंटल नी ए जल्दी तो वहीकल एज इट इज ट्रांसपोर्ट थी तो हम पकड़ी भी पवाना सवाल यो भी क्या तो एक गाल या भी मशहूर है तो जी सियासी पार्टी जो अस्करी विंग्स रही उन मू भी क्राइम कन था यह हकीकत है न सर इन में हकीकत नो समझा असो को भी अगर क्राइम करे तो अस एज अ क्रिमिनल ट्रीट क्यों अस बिला तफरीक उनके एक्ट क्यों तो का भी अड़ी शे को बाकी यह शे है को भी क्राइम अगर मू करे तो अस उनके खिलाफ बिला तफरीक एक्ट कर बिला तफरीक कार्रवाई कर अच्छा पुलिस वट केड़ी टेक्नोलॉजी जी मेन खोट है केड़न वसीलन जी खोट है जेके उनन की डिजन है वो तमाम घणो वधिक मन कारकर्दगी की दिखाई सकंदा सर सबन का इंपोर्टेंट जो अस वो है असा सिटीज जो सेफ सिटी ना तुम कराची से कंसिडर करें कराची जो क्राइम है पर अस कराची के सेफ सिटी ठाऊँ अगर कंप्लीटली तो उड़ी वही इंपोर्टेंट होंगी उनका अलावा असाजी जो फॉरेंसिक साइंस लेब है सिंधी उनके अस एम्पावर क्यों उनमें रिसोर्सिस बदायूँ उनमें अस सॉफ्टवेयर उनके सुा दूँ उनका अलावा थर्डी सर अस जैसे पुलिस पा कम करे थी वह ट्रेनिंग असे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की क्राइम के ट्रेसिंग में उनके बाद में कोर्ट में प्लीड कर में अस वेरियस कोर्सिस कराऊँ असि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अस पा कम क्यों बदाऊँ अगर कें भी जगह से फॉर एग्जाम्पल इतने अगर गाड़ी चोरी थे थी तो पंजाब में वह वे तो पंजाब में उन गाड़ी के जैम चेक किया वे तो ओदी मेल ही उन्हें खबर पड़ी वे तो हम सिंध के इन पार्ट में चोरी थी यह समझा तो जो लैक ऑफ कॉर्डिनेशन है उनके इंप्रूव कर मेहरबानी तां सही प्रोग्राम में जॉइन कियो ए वक्त दनो मेहरबानी ता गाल बुधियो एसपी क्लिप्टन साहब जो तो होने जो यो चवणो ता लैक ऑफ ट्रेनिंग आ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी ए बिया मुख्तलिफ गिरोन जेके इन में मुलवसन जी बिल्कुल बियो जेको मेहमान साहब गाल पे कई जेका सेफ सिटी वारी हां तो सेफ सिटी वारो भी प्रोजेक्ट वडी अरसे खान 2012 खान वटी पेंडिंग में पेला हां तो ता दिसो उनके 10 11 साल थी वेन जेको एडो ही इंपोर्टेंट अच्छा वो सेफ साई जेका गाल के फेस रीडिंग हो जे वो सजो सेफ सिटी में शामिल आ पर वो भी दिसो जेको इन वक्त जेको स्ट्रीट क्राइम थे पियो सेफ सिटी भी एकड़ो सर्टन एरिया ला फिलहाल आए ठीक है जैसे एतरो भाड़ो पे वे जो क्राइम है वो खास तौर से उन इलाक में घटिन में तो थे जिते सीसीटीवी आई काने जो हाई जो एरिया है रेड जोन वो एरिया है उते खास तौर से रेड ये कैमरा लगाया था वन बो क्राइम जो एक वो रीजन जो है कराची जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है रस्ता भगल उते जी खास तौर से ये कोरंगी वाली पुल कई दफा जो वारदात थन गाड़ी स्पीड घटते थी या रस्ते जी ट्रैफिक थी वे तो उन टाइम से क्राइम थे तो उनका सिर्फ मल्टीपल आस्पेक्ट्स यानी कराची में पुलिस रस्तन से मौजूद हो तो उनसे वो फर्क पे तो पर असा नजर इन पुलिस की जो मौजूदगी है वह जैस तक का एक्स्ट्राऑर्डनरी इजलास न थे एक्स्ट्राऑर्डनरी को हिदायतों न थे उनका अलावा पुलिस की जो है वह घटती लगे या भी हकीकत है तो पुलिस वट जो मोबाइल की कमी है फ्यूल जो वो इशू है
जी रिन साहब बुदायो तो इन अस नफरी घट है अड़ी रीत जो टेक्नोलॉजी की भी खोट है तो ये सभी शयू पाँ जाए ते मौजूद हैं पर इनका वो जो है तो विद इन पुलिस जहाँ पाँजा खाता है उन्होंने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जो सेग्रीगेशन है उनमें भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है समझो तो हि जो मल्टी फैक्टर बुधाया था वन क्राइम में मुलवसन ये ही आन या नज़र में के बी शूँ भी आन क्राइम में ऐसो माजी में तो असंदी तो कराची में जो पॉलिटिकल इंट्रेस्ट ला जो गटर बंद थे वही कर क्राइम बदन तू ये मामला रहा उनमें कई दफ़ा पा अगूणी हुकूमत भी ये इल्ज़ाम हणंदी रही तो सियासी धुरी मौजूद हैं पर हाँ काफ़ी सियासी कमज़ोर शूँ थी चुक्य हैं पर जो जाए ते इं हकीकत है इलाही मानू ट्रेंड हैं हाँ कराची में कल टोरी जी हाई प्रोफाइल टारगेट गिरफ्तार थे एकड़ो लश्कर जंगवी जो गिरफ्तार थो है एकड़ो सिपाही मोहम्मद जो गिरफ्तार थो है यानी सेक्टेरियन याद आ निगरान होम मिनिस्टर है जो उन प्रेस कल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन दौरान उन यो एतराफ़ किया तो कराची में तालिबान भी गिरफ्तार किया वह जी बिल्कुल यो ही जो गाल पो क्या तो लश्कर जंगवी जो जो है वो पा बुधायन पाया तो अब्दुल्ला शाह ते जदी धमाको थियो तो वो उन मुलज़िम से गडो कि सजो थियो तो इनको मतलब है तो इन वक्त भी अड़े किस्म जहाँ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हिंसर मुस्तकबिल में जो ईरान इन पास वो जो सूरत कशीदा थी थे तो काफ़ी जो तजिया निगार खदशो दिखारन पे सेक्टेरियन इशू थी सके तो। थी सके तो। जी अच्छा रेंजर्स के खुसूसी तौर से सिंध हुकूमत तकरीबन 1990 का वही मुकर्र किया है उनको कम ही यो तो क्राइम की सूरत पुलिस का कंट्रोल नी थे उनके रेंजर्स कंट्रोल कंदी तुम समझो तो रेंजर्स की मुकर्री का क्राइम में को कमी आई है को फायदो थो है या वो अना बेहतरी ना आई है मुझे ख्याल है तो रेंजर्स जी को मुस्तकिल डिप्लॉयमेंट रस्तन ते या अड़ी तरीके ना है करे करे असांगे मुख्तलिफ हंधन ते रेंजर्स जी स्नैप चेकिंग नज़र अचे थी पुराने ऑपरेशन के दौर जो चेक पोस्टू भी हैं मगर उ पूरे पक्यू चेक पोस्टू ठहल उ हाँ वीरान थे तो हाँ उहर एडो सारो इंफ्रास्ट्रक्चर ठो जो क्राइम के रोकने ला सब कुछ हो तो जो एडो सारो बजट भी है उनमें जाहिर जो मोबाइल हले थी जो फ्यूल हले तो उनको सब जो खर्च तो सिंध हुकूमत दींदी हूँ ना अध सिंध गवर्नमेंट दींदी हूँ अध वफाकी हुकूमत दींदी हूँ जैसे रिसोर्स मौजूद हैं तो कारकर्दगी भी उन ही बुनियाद होजन घुर्जे तो मन तुम समझो था तो कुछ फायदो थो या अ रेंजर्स जो जो फायद थे घुर्जे ओतो न थो मुझे ख्याल है तो ओतो फायद न थो है उन बदले में जैसे सिंध पुलिस की जी नफरी है उन्हें ही रिसोर्स से जदाई वे तो बेहतर होंद छो तो लोकल इम्प्लॉयमेंट भी लोकल मू हूँ लोकली उनके खबर होंगी तो इलाका कड़ा डोहारी ग्रुप कड़ा उनकी मुस्तकिल डिप्लॉयमेंट थी रेंजर जो मुख्तलिफ जो विंग्स हैं मुख्तलिफ वक्त मूव थन्द रन ठीक है तो अज सखर है अज इत है सुबह भावलपुर है तो उनकी जो एतरी गिफ्त न होंगी है इन क्राइम के कंट्रोल करने ला पुलिस होंगी तो उनकी नज़र जो गिफ्त भी होंगी और निगेबानी भी होंगी अच्छा यो तो ओवरऑल सारी स्ट्रीट क्राइम और संगीन हो शहर के डोर गाल कई थी सिंध में एक वो प्रॉब्लम अचे तो धाड़ेल जो सिस्टम आ धाड़ेल आधार खत्म न तो थे कबीलाई जेड़न में रोजानो वे अंग में मू कतल था थन अज भी एक वाक्य थो कश्मीर में जैमें पंज का छह मू चवन था कतल थे निकल अड़ी तरह मुख्तलिफ़ संगीन नोयत जहाँ रेप जहाँ वाक़ थन था कराची का बाहर भी जो जिला बया जिला उन्होंने भी अमन अमान की तमाम खूब खराब सूरत हाल है धाड़ेल कल्चर न चाहिए पर धाड़ेल जो आधार आ वो भी खत्म न तो थे तो कि सूरत हाल सी सिंध की बेहतर कर सकते थी ऐसो न मुख्तलिफ वक्त ऑपरेशन मगर अजा तीन ऑपरेशन तरह जो न थो जो प्रपोज किया वो हो तो जो दरिया के बिन्हीं कपन से गड ऑपरेशन शुरू कजे जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है हेली सर्विस की मदद वी वे लॉ एनफोर्समेंट की भी मदद वी वे मगर उत कोऑर्डिनेशन जो फुकदान आयो वो ऑपरेशन न थी चुको नतीजे में जो कबीलाई जेड़ा धाड़ेल उ पा में गड लिंक्डन जो भी धाड़ेल
तव्हां पुछो हुनजी हिस्ट्री, हू चए थो त आउं हिन कबीले तकरारनि खां बेज़ार थी करे आउं हिन पासे आयो आहियां, पुलिस मूंखे खामखे तकरार करे थी, आउं त मुख़ालिफ़ कबीले खां बचण लाइ असां वेपन खयो आहे। त हिकिड़ो जेको हिकु ॿिए खे सपोर्टिव आहिनि, इहो धाड़ियल एलिमेंट ऐं जेको कबीलाई तकरार आहे, ऐं उहो माण्हू जेको तकरारनि में नथो पइजे हुनखे टारगेट कयो थो वञे त उहो बि जेको आहे तकरारनि में फासी थो पए। त इहो हिकिड़ो तमामु वॾो मसइलो आहे, पर हुनखे ॾिसण लाइ जीअं गुज़िरियल हुकूमत में इहो तय थियो त हिकिड़ी एंटी डकैट फोर्स स्पेशल ठाहियूं था, पर हुन ते बि अमल न थियो। जीअं इहा ॻाल्हि थी त ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमालु कयूं था, या जेके आहिनि लॉन्ग रेंज जेके आहिनि वेपन इस्तेमालु कयूं था, हुन ते बि अमल न कयो वियो। पर मतिलबु हिन में चई सघिजे थो त हुकूमत त फ़ैसिला करे थी, पॉलिसियूं ठाहिनि था, पर उहे पॉलिसियूं किताबनि ताईं महदूदु रहनि थियूं। बिल्कुलु अहिड़ी रीति थिए थो न, हाणे जीअं पाण सेफ सिटी वारी ॻाल्हि कई न, ॾह सालनि में न थियो, वरी हुन खां पोइ जेके डिवाइसिस लॻाइणियूं जो फ़ैसिलो थियो हुन ते अमल दरामद न थियो, हीअ कचा फोर्स वारी ॻाल्हि हले पई जेका, हुन ते अमल दरामद न थियो। त इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो टेम्परेरी हुन लाइ इहे ऐलान थियनि था, पर हुन ते बाज़ाबता संजीदगी सां अमल दरामद थिए उहो नथो थिए। अच्छा, आख़िर में ॻाल्हि कंदुमि, प्रोग्राम जो वक़्तु थिए थो, त असांजे सीनियर साहफ़ी जान मोहम्मद मार खे क़तलु कयो वियो, सभिनी खे ख़बर आहे त हुनजा क़ातिल केरु आहिनि, पुलिस अनाउंस बि करे चुकी आहे, ऐं सिंध हुकूमत हुजे, आई जी पुलिस हुजे, एस एस पी सखर हुजनि, डी आई जीस हुजनि, सभिनीनि ऐलान कयो त विदिन 15 ॾींहं 20 ॾींहं महीने जे अंदरि क़ातिल गिरफ़्तार थींदा। हिन वक़्तु बि साफ़िनि पारां हुन मामले ते वॾो हिकिड़ो एहतजाज कयो पियो वञे सॼे मुल्क में। इहे वाइदा त कूड़ा साबित थिया आहिनि हुकूमत जा ऐं पुलिस जा, क़ातिल अञा ताईं गिरफ़्तार नथा थियनि, तव्हां छा था सम्झो हिन सॼे वाक़ियो छा आहे? इहो आहे त बदअमनी सां लिंक इहो बि, बिल्कुलु बदअमनी सां लिंक आहे। हुनजे हाणे त हुनजी फैमिली खे वधीक प्रेशराइज़ कयो पियो वञे त तव्हां जेको आहे न जिर्गे में वञो या समझौतो कयो, यानी इंसाफ़ जे मिलण जे बजाए उहो वधीक अञा परेशान आहे। त यानी जॾहिं हिकिड़ो नामियारे साफ़ी जी फैमिली एॾी परेशान आहे ऐं हुन सां एॾो वॾो वाक़ियो बि थियो, त आम माण्हू ते हुनजो असरु कहिड़ो थींदो हूंदो? छो त साफ़ी सोसाइटी जो रोल मॉडल बि हूंदो आहे, ऐं जॾहिं हुनजो मर्डर थी वञे त इहो बि त हिकिड़ो टेस्ट केस हूंदो आहे, त उहो टेस्ट केस में बि जेका आहे हुकूमत नाकाम थी आहे। हिन खां अॻु में अजमल सामंत वारे केस में बि गिरफ़्तारी का कान थी हुई, अहिड़ी रीति जानवर जे केस में बि का गिरफ़्तारी न आहे थी। त जेका सिंध जे जेके नॉर्दर्न सिंध में जेके एॾा ॿ हाई प्रोफाइल वाक़िया थिया ऐं पुलिस हुन में 100% नाकाम। अच्छा, इहो चई सघिजे थो त सिंध में नोगो एरियाज़ आहिनि, कुझु अहिड़ा अंसर ॾुआरी आहिनि जिन ताईं पुलिस ऐं रियासत जी रसाई न आहे, या सॼो सिस्टम ॾुआरियुनि सां मिलियल आहे, उन करे उहे गिरफ़्तार नथा थियनि? ॾिसो न, सीएम हाउस में वेही करे पुलिस ब्रीफ कई त हिन जाइ ते जेको आहे इहे धाड़ लिकल आहिनि, पर पुलिस पेशरफ नथी करे सघे हुते हुते जेको आहे, इहे नथी वञे। हिनजो मतिलबु आहे त नोगो एरिया आहे न, पुलिस अॻिते वधी न पई सघे। त ऐं उहो सीएम हाउस में वेही करे ॿुधायो वियो त सूरत हाल हिन तरह जी आहे, त इहो त एक्सेप्टेंस आहे। त उहो ज़ाहिर आहे त उहे जेके माण्हू हुन नोगो एरिया में वेठा आहिनि चइनी पासे खां पुलिस जो कड़ो त न आहे, अंदरि कीअं खाइनि था, कीअं पीअनि था, केरु अचे थो, छा थो थिए, उहो त क्वाडन ऑफ न आहे। त हुनजो मतिलबु इहो ई अथई त उन्हनि सां के साथारी धुरियूं त मौजूदु आहिनि न? सही, वरी महिरबानी रिया साहब, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, असां पंहिंजे प्रोग्राम में अमन अमान जी मजमूई सूरताल खे डिस्कस कयोसीं ऐं कोशिशि कईसीं त पुलिस जे हवाले सां जेके अमन अमान जे हवाले सां जेके मसला आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में पेश करियूं, ऐं उन हवाले सां एडिशनल आई जी कराची ऐं एस पी क्लिफ्टन खां बि असां पंहिंजी राय वरितीसीं, उन्हनि जो मौक़ुफ़ मालूम कयोसीं त आख़िर सिंध जो अमन अमान बहितर छो नथो थिए, 80 अरब रुपया ख़र्च थियण जे बावजूदु अमन अमान जे लाइ कहिड़ा चैलेंजेस आहिनि, ऐं पुलिस खे कहिड़े कहिड़नि मसालनि जो माना पुलिस खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। वरी पेश थींदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अलाह निगबानु।